मेरे YouTube चैनल ईलर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, असंख्या पद्धति के कड़ी में आज हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को जो पढ़ना था, इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे शब्दावलियां पढ़ ली। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और मैं इसे अंकगणित की चाबी या कुंजी कहता हूँ, क्योंकि बिना इसके आप अंकगणित को पढ़ना समझना आप सभी के लिए मुश्किल और मेरे लिए भी मुश्किल होता है। अगर यह आज की टॉपिक अगर आपको समझ आ जाती है तो बहुत सारे ऐसे अध्याय हैं जो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे, और यह अध्याय ऐसा है जो आपको अंकगणित सरल अथवा कठिन दोनों बना सकता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। मैं भी प्रयास करूंगा, मैं इतना बेहतर पढ़ाऊँ कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, दोबारा के लिए आपको समस्याएं न हो। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विभाज्यता का नियम, से कहा जाता है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी या विभाज्यता का नियम क्या है, क्योंकि जब भी हम सब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित पढ़ते हैं तो गणित में यह माने नहीं रखता कि कितना समय में आप गणित सॉल्व करते हैं, माने यह रखता है कि आप समय कितना बचा के और कितना सही विकल्प का चयन करते हैं। आपका प्रश्न का उत्तर आ रहा है वह इस बात से ज्यादा मायने यह रखता है कि आप कितना कम समय में प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उस दिशा को या उस टॉपिक को जो हम कहते हैं उसका नाम ही है ट्रिकी गणित या ट्रिकी मैथमेटिक्स। तो ट्रिक के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसे कहा जाता है कैलकुलेशन। जोड़ घटाना गुणा भाग की जो प्रक्रिया होती है वह जितना तीव्र आपकी होगी उतना ही बेहतर आपकी गणित होगी, और उसके लिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी या विभाज्यता के नियम आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं हम सब विभाज्यता का नियम, अब ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। हम आशा करते हैं कि आज की यह लेक्चर, वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी और आप इसे बेहतर तरीके से समझेंगे, और अगर ये वीडियो बेहतर लगे, पसंद आए तो सभी साथियों को जरूर शेयर करिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं विभाज्यता का नियम में, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं विभाज्यता का नियम या रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। विभाज्यता का नियम, इसी में हम लोग पढ़ना है विभाज्यता के नियम में, दो से विभाज्यता का नियम, कितने से, दो से, दो से विभाज्यता का नियम। आप लोग हेडिंग बनाते चलिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है ये, और यहां से प्रश्न लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। यहां से प्रश्न आना बहुत बड़ी बात नहीं है, यहां से वो मान्य रखता है कि यहां से आपके लिए आगामी अंकगणित आपके लिए सरल हो जाएगी। देखिए दो से विभाज्यता का नियम, किसी भी संख्या के यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक, यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होती है तो वे सभी संख्याएं दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। अर्थात हमें कह सकते हैं जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आदि होता है वे सभी संख्याएं दो से पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से विभाजित होती हैं। दूसरी बात, यहां हम ये कह सकते हैं कि सभी सम संख्याएं दो से विभाजित होती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे में यहां पे हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 24 इकाई का क्या है 4, 4 इसमें से मिल रहा है, देखिए 1756। तो हमने क्या देखा, 1756 में देखा 6 इकाई का क्या है 6, 6 इसमें से मिल रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वे सभी संख्याएं दो से पूरी तरह विभाजित है। ये देखिए 756810, ये संख्या क्या है, देखिए ये संख्या जो है इकाई का किसका है, क्या है 0। तो हमने क्या देखा, यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक इनमें से कुछ भी हो तो वे संख्याएं क्या होंगी, दो से पूरी तरह आंशिक रूप से विभाजित होंगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग तीन से विभाज्यता का नियम, यह काफी महत्वपूर्ण है इसलिए इसको ध्यान समझिएगा। आपको लग रहा होगा सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो पहले से आता होगा, मैं आपको एक चैप्टर है जिसका नाम है लेस और मैस, आप जानते होंगे। अगर यह अध्याय आपको समझ में आ जाएगा तो लेस और मैस का चाहे जैसा भी प्रश्न होगा आप 5 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यह अध्याय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है इसलिए ध्यान समझिएगा। तीन से विभाज्यता का नियम, तो इसमें लिखिएगा आप लोग हेडिंग बना के लिखिएगा तीन से विभाज्यता का नियम, किसी भी दी गई संख्या के, किसी भी दी गई संख्या के कुल अंकों का योग, किसी भी दी गई संख्या के यदि कुल अंकों का योग 3 से विभाजित होती है तो संख्या भी सदैव 3 से विभाजित होगी। जैसे जैसे दे दिया 57, दे दिया 729, फिर दे दिया
अब कह रहा है किसी भी दी गई संख्या के कुल अंकों का योग। ये कुल अंकों का योग क्या होता है? माने जो संख्या जैसे 57 को जोड़ेंगे, 7 और 5 12, इन दोनों का योग कितना होगा अंकों का? 12। 12 क्या है? 3 से विभाजित है, तो यह संख्या भी क्या होगी? 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। मतलब इसे जब संख्या में भाग देंगे 3 से तो पूरी तरह कट जाएगी, शेषफल नहीं बचेगा। उसी प्रकार 729 में 7 2 9 9 9 18, तो इसका योग कितना आया? 18। 18 क्या है? 3 से विभाजित है, तो यह संख्या भी क्या होगी? 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब देखिए ये क्या है, 87636। इसमें देखिए 8 7 15 15 6 21 21 3 24 24 6 30, इसका योग कितना आया? 30 आया। 30 क्या है? 3 से विभाजित है, 3 धा में 30, तो क्या होगा? 3 से विभाजित है, इसका मतलब यह संख्या भी क्या होगी? पूरी तरह 3 से विभाजित होगी। तो हमने क्या सीखा? किसी भी दी गई संख्या के कुल अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होती है तो संख्या भी सदैव 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी आधार पर एग्जाम्पल बनाया जा सकते हैं। अब आगे लिखिएगा आप लोग, 4 से विभाज्यता का नियम। कितने से? 4 से विभाज्यता का नियम। ये क्या है? 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, यहां समझ लीजिएगा आप लोग। 4 से विभाज्यता के नियम के लिए आप जानते रहिएगा, किस लिख लीजिएगा, किसी भी दी गई संख्या के इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाजित होती है तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। क्या पढ़ा मैंने? यदि किसी भी दी गई संख्या के इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाजित होती है तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अथवा करके लिखेगा, इकाई और दहाई के स्थान पर यदि 0 0 है तो भी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब देखिए क्या क्या लिखा मैंने, 47 और 24 लिखा। फिर इसमें मैंने क्या लिखा, पढ़ा कि इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या, देखिए इकाई दहाई से बनने वाली संख्या क्या है? 24। इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाती है तो संख्या भी क्या होगी? 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। माने 47 और 24 में यदि 4 से भाग देंगे हम तो संख्या क्या होगी? पूरी तरह से कट जाएगी। अर्थात हमें कह सकते हैं कि किसी भी दी गई संख्या के इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाती है तो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, इसको चाहे इतना बड़ा कर दीजिए, जैसे ही है 47 24 है, 5 7 6 9 इतनी बड़ी संख्या भी है तो भी इसकी इकाई और दहाई का अंक यदि 4 से विभाजित है तो संख्या भी क्या होगी? 4 से सदैव विभाजित होगी। यहाँ देखिए 35 48 48 क्या है? 4 से विभाजित है। यहाँ क्या देखा हमने? 1700 इकाई और दहाई का स्थान पर 0 0 है। कोई भी संख्या लीजिएगा 37 6 5 0 0, मानी कई और दहाई के स्थान पर 0 0 है तो संख्या 4 से सदैव विभाजित होगी या सदैव कट जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिएगा 5 से विभाज्यता का नियम, हिंट डालिएगा, 5 से विभाज्यता का नियम एकदम आसान है। किसी भी दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 0 या 5 होता है, किसी भी दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 0 अथवा 5 होता है तो संख्या सदैव 5 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 470 45 4565 36 6 5 0 36 750 6 5 4 3 5, माने 56 745। कहने का मतलब यदि इकाई के स्थान पर 0 अथवा 5 आता है तो संख्या सदैव 5 से विभाजित होगी। अब आते हैं अगला, पढ़ते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। ये तो था आपके 5 से, अब आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो 6 से विभाज्यता का नियम है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? 6 से विभाज्यता का नियम। देखिए 6 से विभाज्यता का नियम काफी आसान है। अगर 6 का परिमेय गुणनखंड कर देते हैं, 6 क्या कर देते हैं? गुणनखंड। तो 6 क्या होगा? 2 और 3 दोनों से कटेगा, या इसका गुणनखंड क्या होगा? 2 × 3। अर्थात जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। 2 और 3 विभाज्यता का नियम आपको याद ही है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, 5 तक का विभाज्यता का नियम सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वो आपको समझ में आ जाते हैं, इसके ऊपर का आपको बहुत आसान है। 2 और 3 का मतलब जैसे 72 है, 72 क्या है? 2 का नियम क्या है? 2 का नियम जानते हैं ना, 0 2 4 6 8, माने सब संख्या हो 2 से कटने का, 3 से कटने का नियम
दी गई संख्या के कुल अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होती है संख्या विभाजित हो जाएगी। तो 72 क्या है, 7 2 9 और सम संख्या भी है, 3 से विभाजित है, इसका मतलब यह क्या है, यह संख्या 6 से कट जाएगी, 720। यह भी सम संख्या और 3 से विभाजित है, माने जो संख्या 3 और 2 दोनों से विभाजित होगी वह 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। समझ आया आप लोग को? चलिए जैसे आप लोग को हम बताएं, आप 1728 ये देखिए, ये 3 और 2 दोनों विभाजित है तो इसका मतलब 6 से भी विभाजित होगी। ये देखिए 432, ये भी क्या है, 4 से विभाजित है, सॉरी 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, इसका मतलब 6 से भी विभाजित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 7 की वास्ता के नियम काफी कठिन है, उसे याद करना मेरे लिए भी मुश्किल है और आपके लिए मुश्किल है, तो प्रयास करिएगा 7 का न पढ़ के हम लोग अब डायरेक्ट 8 का पढ़ते हैं, नहीं तो 7 के चक्कर पड़ेंगे तो सभी आपका मिस हो जाएगा। 8 का पढ़ने से पहले आप 4 का एक बार याद कर लीजिएगा। 4 हम लोग पढ़े थे, किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर यदि 0 0 हो या इकाई और दहाई के स्थान बनने वाली संख्या 4 से विभाजित हो संख्या 4 से कट जाएगी। 8 के लिए सेम नियम है, थोड़ा सा अंतर है, किसी भी दी गई संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा से बनने वाली संख्या यदि 8 से विभाजित होती है अथवा इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 0 0 0 अर्थात 3 0 है तो संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल इसका सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे 7 6 5 1 2 इसमें 76512, तो इसमें इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर क्या है 512, 512 यदि 8 से कट जाएगा तो संख्या भी क्या होगी 8 से कट जाए। जैसे किसी भी इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 0 0 0 3 लड्डू हो तो संख्या भी क्या होगी 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, अर्थात हम कह सकते हैं यह संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। हम समयार से भी चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग 9 का, 9 का विभाजकता के नियम से पहले अब 3 का आपको याद होगा, 3 में हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी दी गई संख्या के कुल अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होती है तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 9 का भी उसी तरह है, किसी भी दी गई संख्या के कुल अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाती है तो संख्या भी सदैव 9 से विभाजित होगी। जैसे देख लीजिएगा 72 7 2 9 9 से कट जाएगी, फिर आते हैं 729 7 2 9 9 18 कट जाएगी, 873 8 7 15 18 कट जाएगी, 5,64,63 इसमें देखिए कुल अंकों का योग 6 5 11 4 15 2 17 6 23 23 और 4 27 इसका कुल अंकों का योग कितना हुआ 27 हुआ, और 27 9 से कट जाएगी इसका मतलब संख्या भी क्या हो जाएगी 9 से पूरी तरह कट जाएगी। अगर इसमें भाग दिया जाए तो क्या हो जाएगा 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी दी गई संख्या के कुल अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाती है संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब आते हैं 10 की विभाजकता का नियम, 5 का याद होगा आप लोग को, 5 क्या था 0 और 5 इकाई के स्थान पर यदि 0 अथवा 5 होता है तो संख्या भी क्या होगी 5 से कट जाएगी। 10 के लिए कुछ नहीं है, इकाई के स्थान पर यदि एक लड्डू है तो संख्या क्या हो जाएगी 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 130 1750 8350 4760 इकाई के स्थान पर यदि लड्डू है 0 है तो संख्या क्या हो जाएगी 10 से कट जाएगी। 11 देख लीजिएगा, 11 का थोड़ा सा कठिन है, बहुत ज्यादा नहीं, जिसे देख लीजिएगा 1371 इसको एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या करते हैं एक संख्या को छोड़कर उसका योग करते हैं। जैसे देखिए एक संख्या छोड़ेंगे 3 1 4 3 1 तो दोनों का पहले योग निकालेंगे, इधर लिखेंगे और इधर, ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे अंतर का, यदि दोनों का अंतर 0 अथवा 11 का गुणा जाता है, क्या आता है 11 या 11 का गुणा जाता है तो संख्या सदैव 11 से विभाजित होगी। जैसे 4 में 4 के 0 आया, मैं पहले ऊपर लिख दूं फिर समझाऊं आपको क्या क्या आएगा, तो होगा 0 11 22 33 44 डाटा,
किसी भी दी गई संख्या को एक विलोमत जोड़ने पर उनका अंतर जीरो अथवा 11 का गुणा जाता है तो संख्या सदैव 11 से विभाज्य होगी। जैसे यहां पे हो जाएगा आपका 9 कर दिए तो ये हो जाएगा आपका 8, 6, 14 और 14 और 9 14 और 9 हो जाएगा आपका 23 और हो जाएगा 7, 3, 10 माने हम यहाँ कर लेते हैं हाँ तो 8, 6, 14, 14, 9, 23 23 में से कितना घटाना है हम लोग को 11 लाना है तो 23 में से कितना जाएगा 12 है ये हो गया। मान लीजिए संख्या है 87,659 है तो विलोमता जोड़ना जैसे एक अंक छोड़ के 8, 6, 14, 14, 9 लिख लिया हमने 14, 9 हो गया आपका 23 फिर इन दोनों का योग जोड़ेंगे 7, 5, 12 इसका अंतर निकालेंगे 12 इनका अंतर कितना आ रहा है 11। यदि किसी भी संख्या के विलोमता या एक अंक छोड़कर उनका योग का अंतर 11 आए अथवा इसमें से 0 आए 0 या 11 गुणा जाए तो संख्या क्या होगी सदैव 11 से भाज्य होगी। जैसे लिख लेते हैं और ये देखिए 55,666 इसमें देखिए 6, 5, 11 11 में से 11 गया 0 आ गया 0 माने एक अंक छोड़ने के बाद यदि 0 या 11 का गुणा जाता है तो संख्या सदैव 11 से भाज्य होगी। और कोई संख्या बढ़ा लेते हैं हम लोग हो जाएगा का 5, 3, 8 हो जाएगा और ये मान लीजिए ये 5,731 है इसमें देखिए 5, 3, 8, 7, 1, 8 8 में से 8 गया 0 अभी संख्या को 11 से भाग देंगे संख्या क्या होगी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। माने एक अंक छोड़कर योग करना है फिर उनका अंतर करना है यदि उनका अंतर 0 या 11 गुणा जाता है संख्या सदैव 11 से भाज्य होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब आते हैं हम लोग 12 12 की भाषा का नियम काफी आसान है। 12 की भाषा का नियम क्या है पहले 12 गुणनखंड कर लीजिए क्या हो जाएगा 4 × 3 जो संख्या 4 और 3 दोनों से कटेगी वह संख्या 12 से भी कट जाएगी। आगे देखिए 15 का जो संख्या 3 और 5 दोनों से कटेगी माने अंकों का योग 5 का सरल है देखिए मैंने इसलिए लिखा इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो और इसका 3 का जानते ही है कुल अंकों का योग है 3 से विभाजित हो। अब 18 का जो 9 और 2 से भी कटे और 2 से 20 का कर ही लेंगे आप लोग तो 36 से काटना है जो 9 और 4 दोनों से कटे और इसी तरह बढ़ते जाएगा गुणनखंड आपको याद है तो काटना आपको आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको जो बताया एक बार आप पढ़ लीजिएगा और इसके एग्जाम्पल आप स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी प्रश्न देता है डायरेक्ट इस तरह से प्रश्न देता है मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ उसका जवाब लीजिएगा ये समझ में आ गया आपको। देखिए सब प्रश्न जो बनाए जाते हैं आपके UPTT यूपी पुलिस यहाँ से काफी प्रश्न पूछे गए कई बार डायरेक्ट दे देगा जैसे यहाँ पे डब्बा बना देगा निम्नलिखित को 3 से विभाजित करने के लिए यहाँ पे स्टार बना देगा स्टार के स्थान पर न्यूनतम संख्या क्या होगी या अधिकतम संख्या क्या होगी नीचे विकल्प दे देगा ये संख्या दी गई संख्या 3 से विभाजित है तो स्टार की जगह पर क्या होगा आप बताइएगा न्यूनतम संख्या क्या होगी अधिकतम संख्या क्या होगी बस अब विकल्प चयन करना है 4 से दे सकता है किसी भी संख्या दे देगा जिससे उसको पूछना है इसमें न्यूनतम क्या होगी और अधिकतम क्या होगी तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है इसलिए इसे एक बार दोहरा लीजिएगा यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है इसे हल्के में ना लीजिएगा। एक बात एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा ऋण संख्या किसे कहते हैं आप बताइएगा ऋण संख्या किसे कहते हैं प्रथम 9 ऋण संख्याओं का औसत क्या होगा आपको मैंने एक प्रश्न दिया एक प्रश्न ये हो गया स्टार के स्थान पर सबसे छोटी संख्या क्या होगी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी यदि दी गई संख्या 3 से विभाज्य है तो और ऋण संख्या किसे कहते हैं प्रथम 9 ऋण संख्याओं का औसत क्या होगा इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सभी साथी यदि अभी आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़िएगा सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए DURGESS SIR वहां पे आपको नोट्स और अन्य सभी जानकारी आपको वहां
मिल जाएगी, और मेरे फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और वहां पे भी आपको वीडियोज हमारे गणित की पूरे मिल जाएंगे। हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आप सभी साथी पूरे मेहनत के साथ पढ़े, हम सदैव हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी, आप भी पूरी मेहनत के साथ पढ़िए, भगवान करे आप जल्दी से जल्दी सफल हो। जय हिंद, जय भारत।